ये समय शायद कर्मागम है, दूसरा जो कर्ता कर्म अधिकार है उसकी मध्य रेखा पर अपनी चर्चा है। बैठा महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्ता कर्म भाव वास्तव में जीवन का विषय है, आत्मा का प्रति समय इस भाव के कारण मैं कर्ता और ये राजा भी भाव मेरे कर्म, मैं कर्ता और क्रोधा भी भाव मेरे कर्म, मैं कर्ता और पुज्जल धर्म धर्म आकाश काल मेरे कर्म, इन भावों रूप कर्मनुक्त होता हुआ जो आत्मा है उसे ज्ञान है। मैं ज्ञान की ओर से चर्चा करते हैं तो ज्ञान और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान कहते ही ज्ञान लक्षण है ना आत्मा, ज्ञान से आत्मा और जगत पहचाना जाता है, इसलिए ज्ञान ही सर्वस्व है। जहां ज्ञान शब्द कहा वहीं आत्मा का स्मरण हो जाता है। कहन मिठास कहा और मिश्री का स्मरण हो जाता है, लावण ने कहा और नमक का स्मरण हो जाता है, कि दोनों एक ही है लक्षण है ना, तो इससे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। लक्षण को जानकर लक्षण में लक्षण तो खाली एक गुण की एक पर्याय होती है, लक्षण मैंने पहचान, वस्तु की पहचान उसको कहते हैं, ऐसी पहचान कि जो दूसरे में न पाई जाए, दूसरे में अगर वो पाई जाए तो जो दूसरा भी उसी लक्षण से पहचाना जाएगा तो दोनों एक हुए। तो पशु और मनुष्य दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे होने से, दोनों न्यारे न्यारे लक्षणों से पहचाने जाते हैं, तरह ज्ञान आत्मा का लक्षण पहचान असाधारण गुण प्रमुख भाव कहना चाहिए कि ज्ञान आत्मा का सर्वस्व है, सर्वस्व है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा ही सारे आत्मा के गीत गाए जाए। ज्ञान जैसे अनंत गुणों से, ज्ञान और आनंद जैसे, सुख जैसे, ज्ञान और चारित्र श्रद्धा इत्यादि अनंत गुण, अनंत 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 में गिनती गिनती नहीं है, लोक के किसी विषय में इतना पाया नहीं जाता, और वो विषय को आत्मा की न्यारा होने के कारण आत्मा का भोग्य ही नहीं है। इस आसमान का कैसे भोग करे आप, न्यारा है ना, आत्मा की सीमा और विषय की सीमा दोनों बंधी हुई न्यारी न्यारी सीमाएं हैं, इसलिए एक का दूसरे में प्रवेश नहीं होता। तो भी आत्मा का ज्ञान अज्ञान बनकर है, तो ज्ञान स्वरूप वास्तव में शुद्ध है, ज्ञान भी शुद्ध है, शुद्ध होने पर भी उसे अशुद्ध बनाता है आत्मा नहीं। इस लोक में सत्य बोलने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यह कहता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए वो अपने समझ को अपने ज्ञान को अज्ञान बनाता हुआ भ्रष्ट होता हुआ असत्य वादन करता है। लेकिन भी ऐसा है, इसी तरह यहां भी
ज्ञान है वास्तव में आत्मा का स्वरूप, इसलिए शुद्ध है वो, क्योंकि आत्मा शुद्ध है तो उसके सारे गुण शुद्ध हैं और वो कभी अशुद्ध होते ही नहीं, इसलिए नहीं होते अशुद्ध, ये तो अपना ऑर्डर नहीं, लेकिन उनमें अशुद्धता की गुंजाइश ही नहीं है। जो कभी अनेक रूप होता ही नहीं, जो सदा एक रूप रहता है, ध्रुव रहता है, नित्य रहता है, शाश्वत रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती, ऐसा जो आत्मा है वो स्वतः शुद्ध है, वो सदा से ही शुद्ध है। लेकिन शुद्ध होने पर भी ज्ञान को ना समझ बनाकर, समझ को ना समझ बनाकर, और ज्ञानी ने उन अन्य पदार्थों के साथ जो उसको अपने नजदीक अथवा अपने से दूर दिखाई देते हैं, उनके साथ अपना संबंध, अपना एकत्वता, आत्मीयता का संबंध स्थापित करके और ज्ञान को अज्ञान रूप किया। जब अन्य के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित किया, वे अन्य की चिंता कर रही है मैं, स्वयं अकेला हूं, अकेला हूं और अज्ञावाद हूं, कोई बाधा कोई आपत्ति, शाश्वत जो होता है उसमें कभी कोई बाधा और आपत्ति, कभी भी विपत्ति वो आत्मा को छूकर नहीं गई। विपत्ति नाम की चीज नहीं है ना, असल में तो घड़ी हुई चीज अज्ञानी होती। मुनिराज से पूछो कि आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, जिस समय सर्दी होती है, गर्मी होती है, सिर पर सिगड़ियां जलती हैं, पैरों में लोहे के जलते हुए कड़े, उनसे पैर जल रहे हैं, पूछो मुनिराज से आपको बहुत तकलीफ होती होगी। जो इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें हमारी तकलीफ का क्या सवाल है, ये जो जंगल में आग लग रही है, देह है वो तो हमसे सजाई पृथक तत्व है, देह में जो कुछ भी होता है उससे आत्मा पर कोई असर होता नहीं, तो होता है तो देखा जाता है, वो रातों दिन दुख करता है, खोश करता है, या तो दिन दुखी रहता है ना, जरा सी व्याधि हुई तो देह में हुई, देह के परमाणु गर्म हो गए, ठंडे हो गए, सड़ गए, गल गए, मिट्टी की हुआ, उनसे देह के अचेतन परमाणुओं में हुआ। आत्मा चेतन है, चेतन को जल नहीं होता, चेतन गर्म और ठंडा नहीं होता, लेकिन देह साथ होने से इसे भ्रम ये हो गया कि देह मेरा है, मैं ही हूं, मेरे साथ है ना, इसलिए ये मेरा ही है। ऐसा जहां इतना सा है, वो कितना सा वाक्य है, वचन भी कितना सा है, वचन कितना सा है, उसका भाव कितना गहरा गंभीर है, ये मेरा है सिर्फ इतना मान लेने पर देह में जो कोई भी कर्मन हुआ, इसी प्रकार का सुख और दुख इसको देखा जाता है, नियम हो गया नहीं, इसी तरह है। मैं ज्ञान के संबंध में यही बात कहते हैं, आचार्य यही तो कह रहे हैं सारी बात, लेकिन यही दुख का मूल कारण है, खास कारण है। जैसे डॉक्टर व्याधि का निदान करता है, घूमते घूमते भी पता नहीं चलता तो वह गहरा जाता है, गहरा जाने से कहीं कहीं वो चिन्ह मिल जाता है, व्याधि का कारण चिन्ह मिल जाता है तो उसको हटाया और स्वस्थ होता है। इस तरह आत्मा की व्याधियों का, आत्मा के अनंत दुखों का, कष्टों का, जो अनादिकाल से, अनुभवी काल से
क्योंकि आत्मा तो सदा से है, इसलिए वो आत्मा की जो प्रति समय पर्याय होती है जानने रूप, वो जानने रूप पर्याय ना समझ होकर अज्ञान रूप होकर ये कल्पना करती है कि मैं तो देह हूं, मैं तो मैं ही हूं, क्रोधी हूं, नानी हूं। एक क्रोधमान महादेव की तेरे में गुंजाइश कहां? केवल देह की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वो तो अलग अलग रहता है। ये एक में दिखाई देते भी दूध और पानी वो कभी किसी में एक माने नहीं, माने नहीं, माने मिल जाने पर भी, बिल्कुल मिल जाने पर एक में भाषित होते हैं। तब हम लोक व्यवहार में इस वचन का प्रयोग करते हैं कि दोनों मिल गए हैं। अब हम अनुसंधान करते हैं भीतर भीतर, इसका डायग्नोसिस करते हैं, ज्ञान की लेबोरेटरी में इसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं उसको। तो भीतर जाकर देखा तो जितना दूध था उतना दूध ही है, और जितना पानी था उतना पानी है। अब इसमें एक और विशेष बात कि जिस समय ये जान लिया कि दूध और पानी ये दोनों मिली हुई एक अवस्था में है, खाली एक में नहीं हो जाए, और ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, तो मुझे तो दूध पीना है, मुझे पानी नहीं पीना है। तो उसे अग्नि पर चढ़ाता है, तो अग्नि पर चढ़ाने में पानी छींकता है, दूध नहीं छींकता। ये क्या है? ये किसने सिखाया आपको? पानी को किसने सिखाया? दूध को किसने सिखाया? ये तो खुदगल की बात। कौन सीखता है? क्या सीखता है? पानी दोनों साथ साथ हैं, दोनों को समान ताव मिल रहा है, ताप मिल रहा है दोनों को समान। कि दूध क्यों नहीं सीखता है, पानी सीखता है? क्योंकि विकार आया गया होता है, पानी ऊपर से डाला गया है, वो आया गया होता है, इसलिए उसका क्षय होता है। इसके साथ में स्वभाव का, वस्तु का, तत्व का उसका क्षय नहीं होता है। इसलिए ज्ञान से ही सब कुछ पहले से स्व को और पर को, ये जो दो विभाग हैं इस सारे विषय के, इसमें दोनों को ज्ञान के द्वारा जानकर पर से हट जाना, क्यों भी कराया है मेरा नहीं है, इतना ईमान कितना साफ दिल, यानी का दिल साफ कितना, मेरा नहीं है। भद्र पुरुष होता है ना, कुछ वस्तुएं कई लोगों की वस्तुएं चोरी गई हैं, कोई है सबने यहां पर दिखाया हो मेरी वस्तु कोई है और वो ऐसी थी, ऐसा वहां क्या किया जाता है? वहां इस तरह की अनेक वस्तुओं को मिलाया जाता है। ये किसी की घड़ी है तो वहां पर बहुत सारी घड़ियां रखी जाती हैं, लेकिन उसका चिन्ह है स्वयं का उसमें, तो वो अपने चिन्ह से उन सैकड़ों वस्तुओं में से केवल अपनी वस्तु को उठाकर शेष के लिए जो पूछा जाता है कि बाकी ये तो इनका मुझे पता नहीं है, उनसे मुझे मतलब अरे बताओ तो ये किस किस की है, क्या क्या है, ये तो बताओ तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है ना, मैं ये आप करो चलाओ, लेकिन मैंने तो जो मेरी थी उसका चुनाव कर लिया है। इस प्रकार स्व का अचेतन जगत जगत भी बहुत व्यापक बहुत बड़ा है, उज्जवल धर्म धर्म आकाश और काल, ये जो अचेतन जगत है इसका फैलाव ही जगत है। इधर आत्मा है चेतन, दोनों को अपने अपने लक्षणों से पहचान कर जो अचेतन जगत है वो कहते हैं तुमसे मेरा मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मैंने तुम सब सब मिले हुए समुद्र हुए दूधर पानी की तरह, इस तरह मिले हुए एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहने पर भी वो केवल अपने चैतन्य को उठा लेता है, शेष को छोड़ देता है। इतना साफ दिल, यहां से सारा जीवन किसने जीता है? सारा जीवन जगत की जो अन्य वस्तुएं हैं जिन पर हमारा रंचनात्र भी अधिकार नहीं है,
उन सबको भीतर से हृदय से अपना मानकर उनकी रक्षा करना, उनके संबंध में निरंतर चिंतित रहना, उनके वियोग हो जाने पर क्लेश करना इत्यादि इत्यादि रात और दिन क्लेश की और दुख की पनौतियों का एकमात्र कारण ये अपने और करते भेजते न जानकर पर से अलग हो जाना और अपने में समा जाना, ये एक ही उपाय है। जो उपाय वास्तव में जो उपाय बताए कोई कोई दुनिया में बताए तो जो उपाय कोई उपाय विश्व में नहीं है। लेकिन कैसे छूटे हर फिर वही कहानी वही मैंने वही जाना है फिर कैसे छूटे वही तो बता रहे हैं। अरे ये पराया है वो उसको समझा दो मुनिराज जगत को जगत की निधियां दे देते हैं समझा देते हैं ये तुम्हारी है ये मेरी नहीं है और जो आकर चला जाता है वो हमारा नहीं है। ये सभी आकर चले जाते हैं आते हैं एक तरह से थोड़े समय के लिए आते हैं तो अपनी आजादी से आते हैं हमारे पास नहीं आते हमारे पास नहीं आते लेकिन हम मानते हैं कि हमारे पास आए हमको मिले हमारे पास नहीं आए। उनका केवल क्षेत्र बदला है जगह बदली है। अभी कोई भी अगर नगर में कोई बारात आ जाए हमारा घर पास हो तो हमारे आई है हमारे आई है तो दे आई है। ये परमाणु सारे उड़ते उड़ते ये संगठित हो गए संगठित होकर एक देह का आकार उनका नहीं बना बना करता। जो बालू जो रेगिस्तान है वहां पर जो बालू उड़ती है तो उसके अनेक प्रकार के आकार अपने आप बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस तरह बालू जैसी ये दे बालू से गई भी थी बालू का तो ये भी है कि एक पीला बन गया है तो तीन दिन रहेगा। इस देह का एक क्षण का ठिकाना एक क्षण का भी नहीं है इसके बाद वो नहीं है। इतना होने पर भी वो आया है तो उसके स्वामी ने भेजा है उसका स्वामी पुत्रल है उसके स्वामी ने भेजा और हमने उसको अपना तस्कर अपना पकड़कर ये बोला कि तो मेरा है। अरे कैसी बालकपन जैसी बातें हैं आचार्य तो इसे बचपन कहते हैं बचपन दो बालक है ना और वो दो बालक एक खिलौना होता है और एक खिलौने से बालक को समझते नहीं है इसलिए वो खिलौना है एक बालक का लेकिन एक का होने पर भी दूसरा कहता है मेरा है तुम मेरे हाथ में है अभी ये जो तेरे हाथ में आ गया है चलता चलता लेकिन तेरा इस पर अधिकार है नहीं लेकिन बालक तो इसे अपना ही मानता है और उसके हाथ से अगर इसे लिया जाता है तो रोता है चिल्लाता है घूम मचाता है ये सब करता है। हमने क्या किया जीवन भर क्या किया उज्जवल ने अपना ट्रांसफर किया अपने सदस्य का अपना जो ऑफिस है उज्जवल का उसने उसने ट्रांसफर किया तुम आ जाओ तो हमारे पास आ गया ये देह और हमारे पास इतने समय रहना है तुमको वहां इससे एक क्षण ज्यादा नहीं रहना है तो कितने औजार है चेतन का एक क्षण ज्यादा रहता नहीं है और चला जाता है कि जो इसका भेजा हुआ है ये तेरा कहां से हो गया कब से हो गया हो गया हो कि तू एक बात को अपनी मनवा कर देख तेरा हो तो लेकिन वास्तव में ये सारा क्षेत्र ज्ञान का है इसलिए ज्ञान से आचार्य उठाते हैं बात को और अपना हुआ था इतना यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निगम वस्तु के सर्वस्वरूप चैतन्य मात्र भाव करने से एक प्रकार का है। उपयोग कैसा है उपयोग में ज्ञान जैसे आत्मा शुद्ध है उस तरह ज्ञान का जो स्वभाव है स्वभाव की बात करते हैं एक स्वभाव होता है ना प्रकृति नेचर वो कैसा है ज्ञान का
शुद्ध है, मैं किसी से आदान करता न प्रदान करता, मैं अपने में किसी को मिलाता है न अपने में से किसी को छोड़ता, और किसी का न कुछ करता न किसी से ज्ञान में कुछ कराता। इस तरह का वंश मात्र भी करता कर्म भाव ज्ञान में और इन सारे विश्व में सारे जगत के पदार्थों में एक दूसरे के प्रति करता कर्म भाव वास्तव में कोई किसी का कुछ कर सके या किया हो आज तक ऐसी घटना घटी नहीं। ये अंगुली हिलती है ना, ये आत्मा ने आज तक हमारे लिए अनेकों ने हिलाई, असंख्य लोगों ने, लेकिन आत्मा ने नहीं हिलाई। अगर ये घटना घट गई होती तो हम सारे उज्जवल के स्वामी हो गए होते, क्योंकि हमने हिलाई। इसका कार्य अरे तो स्वयं हिलने लायक है, और जब ये हिलती है तो हम इसको यूं हिलाते हैं, हम इसको जरा यूं हिलाए ना इधर दूसरी ओर, अरे साहब वो तो हिलती नहीं है कुछ, वो भी तुमने नहीं हिलाई थी, वो भी हिलने की जो योग्यता है जो शक्ति है इसकी कल्पना शक्ति, शक्ति होती है पर्याय में भी, उस पर्याय में शक्ति है तो इस तरह हो सकती है, वो यूं नहीं होती। और हम उसे कहते हैं कि मैंने किया है, आचार्य कहते हैं संपूर्ण ही विश्व ये आत्मा से भिन्न होने के कारण और आत्मा के ज्ञान से भी ज्ञान नहीं कही जाना, सारा सब कुछ मेरे से एक एक अणु मेरे से न्यारा है, ऐसा केवल कथन की नहीं बात, भीतर हृदय में उतारने की बात है। प्यासा व्यक्ति जिसको प्यास लगती है तो पानी को देखकर नहीं रह जाता ठंडे पानी को, लेकिन ठंडे पानी को भीतर उतारता है और तब उसकी प्यास, यहां ये जो कष्ट हो रहा है अनाधिकार के प्रति समय, हर समय हर समय जीव को ये जो विकल्प है, ये विकल्प इतने आक्रमण करते हैं, इतनी तरह के विकल्प एक दिन में नहीं बल्कि एक मिनट में इतने विकल्प आक्रमण करते हैं कि जीव को का माथा भारी होता है उन विकल्पों के मारे। और जब जीवन जाता है, देह छूटती है, इसे पूछो कि तुम्हारे विकल्प में न तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हुई, मैंने सब कुछ बाकी है, और ये बताया अनादि काल में भी पूरा नहीं है और न होने वाला है, क्योंकि हमारा उस वस्तु पर कोई अधिकार, जिन वस्तुओं के प्रति हमारी इच्छाएं दौड़ती थी वे वस्तुएं हमसे अत्यंत न्यारी होने के कारण उन पर हमारा थोड़ा भी अधिकार नहीं है। ट्रस्टी बनो, स्वामी मत बनो, ये बोलते ट्रस्टी बनो तो केवल दृष्टा रहोगे, केवल देख लोगे, देखने जाओगे नहीं क्या हो रहा है उसमें, ऐसा भीतर से देखने वाला चोर होता है, क्या हो रहा है उसमें देखें क्या क्या है उसमें, अरे तुझे उसकी भेद पटेलने की क्या है, क्या तुझे गुंजाइश क्या है, अधिकार क्या है तुझे इसमें, क्या क्या है भेद पटेलने का अधिकार क्या है तुझे, लेकिन निरंतर इन विकल्पों में झूलता हुआ जीव क्लेशित रहता है। ज्ञान के द्वारा ये जान लिया जाए कि विकल्प का विषय जो वस्तु है और ये जो विकल्प है प्रति समय जो विचार चलते हैं ये सब झूठे हैं, सब असत्य हैं, और इनमें एक भी सार्थक होने वाला इस जीवन में तो बहुत दूर, लेकिन अनंत काल में भी वो कभी सार्थक होने वाला नहीं है। किसी विचार को कर ले सार्थक, अन्य के संबंध में विचार करके एक परमाणु को भी अगर जीव ने अधिकार में दिया तो सारे उज्जवल का साम्राज्य अधिकार में आ गया, सारे उज्जवल का। अरे पाकिस्तान का एक चप्पा तो ले लो और पाकिस्तान राजी हो जाए कि अच्छा ठीक है ले लो, तो एक चप्पे से फिर एक कदम और बढ़ाया दूसरा चप्पा, तो संपूर्ण अधिकार हुआ। इस तरह ये अनभिज्ञ की जो चेष्टा हुई है उसका स्पष्टीकरण आचार्य कुंभकुंड और आचार्य अन्य चंद कर्ता कर्म अधिकार में करते हैं।
कर्ता कर्म, मिथ्या कर्ता कर्म, झूठा कर्ता कर्म, मैंने अनधिकृत चेष्टाएं और जबरदस्ती मोल लेने वाली चिंताएं, सारी चिंताएं सब पैदा हुई थी। जो भाग लिया ना किसी ने, किसी दूसरे के साथ कोई हमारा सहचार नहीं होने पर भी, सहयोग नहीं होने पर भी, बल्कि संयोग भी नहीं होने, संयोग चाहे तो आत्मा को, आत्मा अकेला है, तो कुछ भी न होने पर और उस वस्तु का स्वामित्व न होने पर भी हमने अपनी कल्पना में झूठा, हमें प्रति समय झूठ का दोष कितना लगता है वो आचार्य कहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम व्यवसाय में बहुत सच्चे हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम एक नया पैसा नहीं चुराते, किसी का एक नया पैसा देना नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बड़े चोर हो और ये इतनी सूक्ष्म चोरी है जिसका तुमको पता नहीं है, गुड़ खाए और बुलबुलों से खरीद करता। फिर इसे पूछा जाएगा अच्छा ये दुकान किसकी है, जो मेरी है, और जो चोर कौन होता है, तुम्हारे ऊपर एक नया पैसा किसी का देना नहीं है, तुम टैक्स पूरा देते हो, ये सब तो ठीक है, पर ये है किसकी, तो मेरी है, इससे बड़ी चोरी जगत में दूसरी नहीं है। ये परिवार किसका है, मेरा है, देह किसकी है, मेरी है, आज कर्म मेरे हैं, आज कर्मों से मैं बंधा हूं, इत्यादि सारा असत्य विकल्प, असत्य मैंने मिथ्या झूठा विकल्प निरंतर प्रति समय ये उपयोग अर्थात ये ज्ञान किया करता है। क्योंकि जानने का काम किसमें होता है, एक विकल्प तो रास्ता है, वो तो चलता रहता है साथ साथ, है ना, लेकिन जानने का काम जिसमें होता है उसी में तो सत्य झूठ आएगा ना, किसमें आएगा, जिसमें ज्ञान है वो जानेगा कि ये वस्तु मेरी नहीं है, अथवा ये वस्तु मेरी नहीं होने पर भी वो उसकी ओर आकर्षित हुआ, उसके रूप स्वरूप की ओर, उसके सौंदर्य की ओर, उसकी कीमत की ओर वो आकर्षित हुआ, और आकर्षित होकर उसका मन ये मानने लगा कि तो मुझे मिलना चाहिए, इसी को मैं लेकर रहूंगा, इसका नाम चोरी। और हम आचार्य व्रत पालते हैं, पांचवा व्यवस्थान है ना, दूसरी प्रतिमा, उसमें बारह व्रत पालते हैं, और बारह व्रतों में ये सारा आचार्य है कि नहीं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तुम ये क्या कर रहे हो, कोई पाप नहीं है, तो प्रति समय का महापाप जितना भी पुण्य किया जाता है होता है ना, जैसे अंधी स्त्री पीसती है और कुत्ता पास में हो तो खाता, ये आटा खा गया वो जो कुत्ता था, वो तो कुत्ता खा गया, तो जितना कुछ ये पुण्य किया जाता है, पुण्य भाव जितना करता है, पुण्य क्रिया की तो बात भी एक व्यर्थ क्रिया है, पुण्य क्रिया, पुण्य क्रिया से पाप भी नहीं होता, क्रिया मैंने ये हाथ पैरों की, उनकी हाथ पैरों की और पूजा में थाली की, हाथ धोने की, इधर से उधर होने की, वो नहीं पाते, इसके साथ होने वाला जो भाव है पुण्य का, इस सारे पुण्य भाव को ये अज्ञान चर जाता है, अज्ञान का कुत्ता ये खाती रहता है, इसको तो कार में दिखाता है, कार में दिखाकर चलता है, उस सबको थोड़ा बहुत शेष रह जाए, जैसे चिपका रह जाता है ना उसमें चक्की में, कुत्ते के खजाने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत पुण्य चिपका रह जाता है, उसी से स्वर्ग चला जाए थोड़े समय के लिए, जैसे वो तीन दिन के लिए दृष्टि को राजा बना दिया, ऐसे ये दृष्टि अज्ञानी ये तीन दिन के लिए स्वर्ग चला गया, तुम्हें जाकर भी अहंकार में चूर्ण हो गया, वहां जो वैभव मिला उस वैभव में मेरा है, वही बोल, क्यों वही है ना, तो पहले वाला ही है आत्मा, तो देह गया तो देह ने तो झूठ बोला ही नहीं था, देह झूठ बोले अचेतन है, उसका कैसे तुझे पहचानता ही नहीं,
अरे आत्मा तो वही है ना, अरे 10 बरस के बाद ही कोई चोर मिलेंगे तुम वही हो 10 वर्ष पहले वाले। इस तरह वहां गया सर में भी इस सारे इस अपराध के कारण निरंतर विकल्पों से क्लेशित रहता है। आचार्य ने क्लेश शब्द दिया उसे, स्वर्ग में भी क्लेशित रहता है और ये स्वर्ग की इच्छाएं दया करके दान करके पूजा करके प्रतिक्रमण प्रत्याचार आलोचना महाव्रत अनुग्रह इत्यादि उनका पालन करता हुआ मानता है कि मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं ऐसा मानता है। अरे ये सत्तर मोक्ष मार्ग नहीं है जरा भी, जिसको ज्ञान जागृत हुआ है वो जानता है कि ये भाव तो सारे के सारे आत्मा से विपरीत भाव है, ये तो अन्य को साथ लेते हैं, मेरे साथ में कोई है नहीं, मैं अकेला हूं एकदम अकेला। भाव तो दो होते हैं तब आता है, एक दूसरे की चिंता करेगी एक दूसरे, एक तो यात्रा में अकेला हूं अकेला हो स्वस्थ हो सब बात हो, अकेला तो किसकी चिंता, और दूसरा हो जाए अरे तुम तो इतने पीछे रह गए बहुत धीरे धीरे चलते हो बुद्धे हो ना, चिंता किसी की नहीं है। और विवाह होते ही बस्ती कितनी हो गई, बस्ती ये तो हो ही गई, ये तो आई गई चिड़िया तो, लेकिन बस्ती कितनी हो गई ससुराल की, वो ससुराल बहुत बड़ा है, अब ये कहां तक रहेगा, एक एक मरेगा तो सत्तर रोने जाओ, और अकेला होता तो होती कोई, और फिर थोड़ा समय हुआ ये भी सुनाने लगी ये भी सुनाने लगी, खाना बन गया क्या, तो वो कहती रात को भूखे से उठे क्या, पहले था तो कहने वाला नहीं था, तब हुआ ये, अरे वो आई है भाई लेकिन तेरी नहीं है वो, वो तेरे पहले मरने वाली है, तो जो आकर चला जाता है वो हमारा नहीं है, इसलिए एक में दो को मत जोड़ो, जोड़ने की कल्पना मत करो, जोड़ना तो है नहीं, जुड़ता तो है ही नहीं, जुड़ जाए तो छुटे वैसे, इसलिए इस कल्पना को यहां पर समाप्त करना है। ये जो अज्ञान की कल्पना है तो उपयोग तो ज्ञान तो वास्तव में शुद्ध है, ठीक है ना, साहूकार है तो जो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी साहूकार होते हैं कि जो बहुत बेईमानियां करते हैं, इसी तरह ज्ञान तो साहूकार है शुद्ध है, जैसा है वैसा कहता, ये मेरा नहीं है, इसका अनुवाद तो भी मेरा नहीं है, मैं तो एकमात्र चैतन्य हूं शुद्ध चैतन्य अकेला हूं ध्रुव हूं, कभी मरने वाला कभी कोई विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली, कभी पहाड़ टूट भी जाए तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, इतनी दृढ़ता है। बम फूटे बम परमाणु बम, उन परमाणु बम के बीच में खड़ा हुए कहते हैं मेरे को छूता नहीं, मेरा स्पर्श कौन करता है, अगर मैं मर गया होता परमाणु बम से तो फिर वहां कौन जाता देवगति में, वो मर गया होता तो, और जिसे मरना था बिखरना था वो ही बिखर गया, उसे नहीं जाना था, इसलिए वास्तव में जो उपयोग है ज्ञान, ज्ञान जब इस विभाग को जानता है कि ये जगत और जगत के प्रति होने वाले मेरे मोहादि भाव, ये मेरा है ये मेरा है झूठा भाव इत्यादि, और मैं इनका कुछ करता हूं, मैं इनका रक्षक हूं, मैं इसका ग्रहण करता हूं, मैं इसे छोड़ सकता हूं इत्यादि इत्यादि कर सकता हूं, मैंने कितना कर सकता हूं रहता दिन इतना, और इतना किया है मैंने, ऐसा मानने वाला अज्ञानी और रात और दिन क्लेश की कड़ाई उसके घर से उतरती नहीं है। तो पहले भी ये पक्का याद रखना जो उपयोग तो शुद्ध और निरंजन है, उपयोग मैंने ज्ञान ज्ञान बल्कि चलने वाली ज्ञान क्रिया भी यदि ये जान जाए, क्योंकि शुद्ध और निरंजन हूं आत्मा तो शुद्ध और निरंजन है, ज्ञान निरंजन है निर्मल है तो आत्मा भी
निर्मल है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही गुण है, दोनों एक ही है। सारा ही आत्मा उपयोग न है ना, उपयोग न है ना, ज्ञान न है। ये सारा शरीर श्वास न है, श्वास बंद हो जाए तो आत्मा में से उपयोग ज्ञान समाप्त हो जाए तो आत्मा रहेगा नहीं, बचेगा अनंत को हो ना नहीं, लेकिन आत्मा का आत्मा समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ, ऐसी घटना कभी घटने वाली, क्योंकि वो स्वभाव है, स्वभाव कभी छीना नहीं जा सकता, वो उसी के साथ एकमेक होकर, बिल्कुल एकमेक होकर रहता है। और एकमेक होकर जो रहता है उसे छीना नहीं जा सकता, उसका वियोग कभी होता नहीं है। इसलिए आत्मा के जो अनंत गुण और धर्म है, जब ये मानता है कि मैं तो अनंत शक्ति संपन्न हूं और मेरे सारे स्वभाव हैं, इनसे मेरा कभी वियोग नहीं हो सकता, तो फिर निश्चिंतता के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। ऐसी निश्चिंतता हर ज्ञानी को होती है, हर ज्ञानी बाहर से दुखी दिखाई दे, बाहर से भी दिखाई दे दुखी, एक व्यक्ति अपने एयर कंडीशन्ड कमरे में हो और बाहर धूप ही धूप है, तो बाहर की धूप की एयर कंडीशन का क्या करती है, कुछ नहीं करती, वो तो बिल्कुल शांत सोया हुआ है ना। और धूप बाहर है, इस तरह जितना भी कुछ है ज्ञान और आनंद के अतिरिक्त, इस आत्मा के बाहर है, इस आत्मा को ये छूटा नहीं है, ये मोहादी भाव ये आत्मा के भीतर धूप की तरह प्रवेश नहीं करते। आत्मा एयर कंडीशन के तत्व है, इसमें किसी का प्रवेश होता नहीं है। कर्म का प्रवेश आज तक आत्मा में नहीं हुआ। जो बेड़ियां अपराधी के पैर में रहती हैं, वो बेड़ियां को धसे जाती हैं उसके पैर में, ऊपर ही ऊपर रहती हैं, आई हैं और टूटने वाली हैं, लेकिन ये ईमान और धर्म को स्वीकार कर ले। इस तरह मूल चीज से ये जो आचार्य देते हैं ना बीच बीच में, ये है काम की। अज्ञान का अंत कैसे हो, मेरा ज्ञान और मेरा उपयोग शुद्ध और निरंजन, मैं शुद्ध और निरंजन हूं, पवित्र हूं, जो अपने आप को पवित्र मानता है उसे अपवित्र काम कभी होता नहीं है। जो होता है वो सब बाहर होता हुआ दिखाई देता है, भीतर से अत्यंत पवित्र है, भीतर से अत्यंत पवित्र है। ऊपर कचरा दिखाई दे ना समुद्र में, जरा भीतर जाकर देखो, तैरने तो मोती पड़े हैं, अगर ऊपर आत्मा में मोहादि दिखाई दें, मोह रागत द्वेष दिखाई दें, लेकिन भीतर जाकर देखो तो पहले तो अनंत रत्न पड़े हुए हैं। इस तरह आत्मा वैभवशाली तत्व है, मैं वैभवशाली हूं, ऐसा एक बार निश्चय होते ही एकदम आनंद का उद्रेक होता है, उछलता है समुद्र की लहरों की तरह उछलता है। तो ये कहने की बातें हैं, कहने की बात है, अरे करने के लिए हम कहते हैं, हम कहने के लिए ये बातें कहते हैं, ये कहानी है कोई कल्पित, ये वस्तु व्यवस्था है ऐसी, इसलिए करने से पहले कोई बात कही जाती है, उस पर विचार होता है, उस पर विमर्श होता है, और विचार अवश्य होता है, लेकिन विचार टिकता नहीं, थोड़े समय के लिए रहता है, और इसके बाद हम कार्य में परिणित हो जाते हैं। अनुभूति के पहले भी, आत्मा के अनुभव के पहले भी विचार आता है, आत्मा का ही विचार आता है, और किसका विचार आएगा, किसका आएगा, विवाह हो घर में तो पांच आदमी बैठे तो विचार किसका आएगा, विवाह की बातें होंगी ना। इस तरह आत्मा की अनुभूति की ओर, आत्मा की ओर जा रहा है, तो इससे जो विचार होगा वो किसका होगा, आत्मा का ही आनंद में विचार होगा। और उस आनंद में विचार में पहले छोटा हुआ, अंत में विचार बंद हुआ और शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ज्ञानी हो गया, कर्ता कर्म भाव छूट गया, अज्ञान जाता रहा, सदा के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जन्म हो गया। इस तरह आत्मा ज्ञानी होता है तो वह मोहादि भावों को अपने से बिल्कुल भिन्न मानता हुआ, ये मोह मैं हूं इस प्रकार का परिणाम उसको नहीं होता, मोह नहीं आता ज्ञान के भीतर, लेकिन ये कल्पना करता है
जो बहता हुआ आदमी कल्पना करता है ना, वो देखो वो आ गया है, कोई आया है। अब कोई जब इसका परिवार वाला जाता है कि क्या है बेटा, क्या हुआ, क्या, अरे वो आ गया था अभी, वो देखो वो दिख रहा है, वो दिखता है ऐसा बहता हुआ। इस तरह ये कैसा है अज्ञानी, बहता हुआ, अरे वो आ गया, अरे आजकल, अरे जंजाल, अरे जगत, अरे तो तेरे भीतर इसका अनुमात्र भी तो खाली है, इससे रीता है। एक बार ऐसा दृढ़ता से निश्चय कर ले तो तेरे घर में मंगलाचार हो जाएगा।